हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ नॉनवेज लवर्स की फेवरेट और एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, मटन मसाला की रेसिपी। मटन मसाला का नाम सुनते ही हमें जितनी खुशी होती है उतना मुंह में पानी भी आता है। इसका स्वाद बहुत ही मसालेदार और चटपटा होने वाला है। इस रेसिपी को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिए और अपने किचन में जरूर ट्राई करिए। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पे 800 ग्राम फ्रेश करी कट मटन लिया है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम प्याज लिया है। अब हम इसे मैंने बारीक कट कर लिया था, ये देखिए। तो अब हम इसे सैलो फ्राई कर लेंगे। और याद ध्यान रहे कि जितना मटन है उसका हाफ हमें प्याज लेना है। मेरा मटन 800 ग्राम था तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम प्याज लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है तो इसमें अब हम डीप फ्राई करेंगे। जिसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, हार्ड गरम कर लिया है। मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, इस तरीके से। ज्यादा अलट पलट नहीं करना है ताकि ये इवनली फ्राई हो। प्याज लाल होना स्टार्ट हो गया है तो इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। इसे छान कर अच्छे से एक प्लेट में निकाल लें। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी प्याज फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज्यादा अलट पलट नहीं करना है, इवनली फ्राई करना है। सारे प्याज मैंने फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसे हम तब तक ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 5 से 6 लौंग, 6 छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा जायफल और 1 लाल खड़ी मिर्च। अब यहाँ पे मैंने काजू का पेस्ट लिया है। इसमें मैं 8-10 केसर डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अवेलेबल है तो डालिए। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है ग्रेवी में। और फिर मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे फिर 2 टमाटर की प्यूरी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए अब हम दही वाला मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम के करीब दही लिया है। इसमें हम ऑल स्पाइसेस डालेंगे। इसमें मैंने जीरा और धनिया का पाउडर मिक्स कर बनाया है। और फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मटन मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और इन सब को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे, अच्छे से मसालों को दही के साथ मिला लेंगे। मटन को कुकर में बनाएंगे तो इसमें मैंने जो बचा हुआ तेल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था वो सेम इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम बटर डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा लिया है। जब जीरा चटक जाए तब हम इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे। फिर हमने जो खड़ा मसाला लिया था उसे ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छा एरोमा आने तक चलाएंगे। इससे एक अच्छा एरोमा आने लग गया है। तो अब हम इसमें अपने मटन के पीसेस को डालेंगे।
अब जो हमने दही वाला पेस्ट रेडी किया था उसे ग्रेवी में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार चलाने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन सबको मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें मटन को 5 से 7 मिनट तक भूनना है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो अब हम इसे भूनते हैं। 5-7 मिनट हो गया है तो अब हम इसे ढक ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में हटाकर ढक्कन हटाकर हमें इसे चला लेना है। तो अब हम इसे ढक कर पकाते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेन स्टील के प्लेट से ढका है और इसे ढककर अब हम पकने देंगे। मटन पकने में टाइम लगता है तो इसको पकने के लिए हम समय देंगे। अब पकते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे चलाकर देख लेंगे और अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ढककर हम इसे पकने देंगे 10 मिनट तक। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। मसाला हमारा आधा से ज्यादा भून गया है तो अब हम इसमें फ्राइड प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे खुला ही पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो बचा खुचा मॉइस्चर है पानी है वो भी निकल जाए। अब हम इसे खुला ही पकाते हैं अगले 10-15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए तो अब हम इस स्टेज पर काजू का पेस्ट डाल देंगे और फिर हम इसे 5 मिनट कुक करेंगे। पांच मिनट हो गया है तो अब हम इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डालेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। अब कुकर की सीटी खुल गई तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा निकल कर आया, अच्छे से पका है कि नहीं। वाओ डिलीशियस, ये तो बहुत अच्छे से हो चुका है। होप सो। ये अब हड्डी छोड़ने लग गया है तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, ये परफेक्टली डन है। तो अब हम इसमें मैं इसमें 4 से 5 बूंद केवरा वाटर डालूंगी। ये यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करता है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं और इसे फिर हम 1-2 मिनट बस हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे रोटी या चावल के साथ एंजॉय करें। कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।